नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राम बत्ती। कब से आ रहे हो आप डेरे? हमारे 25-26 वर्ष। मैम इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है? माहौल सामान तो बढ़िया देखा है और बढ़िया पाया है, पर अब न बेटा भगवान तुम्हारा दुखी कर रहे हैं, प्रेम ना है, गर्म प्रेम ना, कोई चाहत नहीं है। मैम गुरु जी पे विश्वास है आपका? हाँ, गुरु पे विश्वास है, बिना के सारे से चल रहे हैं मुझे समझ। मैम आप संत जी के यहाँ पे आते हो, सुरक्षित हो आप? सुरक्षित है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु के जाते कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात चौकने रहे, प्रभु के जाते कोई परेशानी नहीं है, पर बच्चा हमारे इवरम ना बहु इवरम बहु मतलब चाहती नहीं है। मैम आप कह रहे हो कि संत जी पर इतना विश्वास है, कुछ कार्य बता सकते हो जो मानवता भलाई के कार्य किए हैं संत जी ने? सब कह चुकी हैं हमारे संग, तो जब थे हम मुँह भाई, जब थे हमारे बच्चा दौड़ा तो घंटा घंटा भर को बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। मैम आप आओ, आप आते भी आगे भी आते रहोगे डेरा सच्चा सौदा? आते रहेंगे हम तो, जो तक जाए पूरा विश्वास ऐसे ही बना, विश्वास ऐसे ही रहो। सरकार से क्या मांग करो? सरकार से ये मांगे हमारे प्रभु हमारे इनके चरणों में हो रहे हैं हर वक्त, हमारे पास आ जाए, दर्शन दें हमें। आप लोग तड़पते हो आज भी? तड़पते हैं और क्या, तड़पते हैं और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार गुरुजी के जो फॉलोअर्स हैं वो यही मांग करते हैं कि संत जी को भेजा जाए। आज भी डेरे के अंदर आते हैं, तड़पते हैं लोग उनके लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।